नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने सुना है बेटी, तुम शादी कर रही हो? अपने लिए नहीं, माँ की खुशी के लिए। मैडम आप शादी कर रही हैं? वो शादी नहीं, एक नाटक होगा। उसे सिर्फ मेरा हस्बैंड होने की एक्टिंग करनी होगी। उसके साथ मेरा किसी तरह का कोई रिलेशन या इमोशन नहीं होगा। आई सी। जब तक माँ है उसे यहीं रहना होगा। मैं समझ गया बेटी। माँ की नजर में ये अरेंज मैरिज होगी, हमारी नजर में कंडीशनल मैरिज। इस तरह के आदमी को ढूंढने में परेशानी होगी मैडम, क्यों ना हम अपने ही किसी आदमी को तैयार कर ले मैडम। कौन होगा वो? यस। अरे तुम क्यों अपनी टांग घुसा रहे हो? अपन तैयार है मैडम। हाँ जी मैडम, अपन बिना शर्तों को ये काम कर सकता हूँ। अपन जाति धर्म नहीं मानता और इस काम के लिए पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है मैडम। बस अपन की एक इच्छा है आपके साथ। तुम रोको यार, शादी धूमधाम से होनी चाहिए मैडम। आप जो तनख्वाह मुझे देंगे उसी से मैं 3-4 बार आपको जू बीच ले जाऊंगा और हफ्ते में 2-4 बार आपको मूवी दिखाऊंगा। उसके बाद महीने में 2 बार मैं आपके फेस का फेशियल भी करा दूंगा मैडम और शॉपिंग कराऊंगा। आप सिर्फ शादी के लिए हाँ बोलो, क्या बोलते काका? मुंह बंद रख बेटी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे सामने कोई भी हमारा आदमी एक्टिंग कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आप ही किसी को ढूंढ लीजिए। बहुत क्रिएटिव लगता है ये। थोड़ा सा मेकअप करवा दो। मेकअप? मेकअप के लिए बोल रही है तो अपुन पसंद आ गया। अरे सुनो भाई, मेकअप रूम कहाँ पर है? वो देखो उस कमरे में। अरे मांडाला, इस तरह से मेकअप करवाएगी अपुन ने सपने में भी नहीं सोचा था। पापा, अपुन को जबरदस्त कूटा, बिना साबुन के धो डाला। मर्डर करने के लिए गुंडे मिल जाएंगे लेकिन शादी करने के लिए लड़के कहाँ से लाएंगे? ढूंढना तो पड़ेगा। आप भाग्यशाली हैं। थैंक यू पंडित जी महाराज, बहुत अच्छी कुंडली मिलाई आपने, ये लीजिए। और बाकी के 10,000? लेकिन बात तो 10,000 की हुई थी ना। सुन बे खजूर, जंग लगी कील की तरह दिखने वाले खजूर को सोने का बता कर ये रिश्ता तय करवाया है मैंने। जिस तरह बैंक में पैसा छुपाते हैं उसी तरह से तेरी सारी बीमारियां छुपाई है मैंने। पुरानी बातों को भूल जाइए आप। हाँ, और ये लीजिए 10,000। एक मिनट। बहुत बड़ा ढोंगी है, यहाँ पाप करता है और वहाँ पूजा करता है। भगवान भगवान पिंजे सही सही चलाना मेरा। हो गया काम। हाँ ये लो, इसे पढ़कर इसमें साइन कर देना। ये क्या है महाराज, मैं यहाँ आपको चेक देने आया था, आपने मुझे बुक पकड़ा दिए। भाई साहब, टू व्हीलर के लिए लोन लेने जाते हो तो वहाँ कितने नियम होते हैं, और हम शादी करवाते हैं तो हमारे भी कुछ नियम होंगे ना। नियमानुसार इतनी सारी शर्तें? नियमानुसार इतनी सारी शर्तें नहीं, नियमानुसार शर्तें हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है, एंकर के लिए ट्राई करो, पढ़ने की जरूरत नहीं, चुपचाप साइन कर दो। मिलते हैं सर। हाँ एक बात नहीं समझा, मेरे बारे में आपने इतने झूठ बोले फिर भी उन लोगों ने हाँ कर दी महाराज। तुमने ही तो बोला था सन्नी लियोन जैसे संस्कारी लड़की चाहिए तुम्हें। मैं चलता हूँ। आ जाओ, वेलकम, आइए बैठिए। हाँ फरमाइए। एक दूल्हा चाहिए अर्जेंट। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डॉक्टर या? पहले तुम हमारी कंडीशन सुनो। ये है कंडीशन। देखिए, बिना लोकतंत्र के भी ये देश चल सकता है, बिना पैसों के भी राजधानी चलवा सकता हूँ, लेकिन इतनी कंडीशन रख करके लड़का मैं नहीं ढूंढ सकता हूँ। हमारे भी कुछ नियम है। तुम्हें अपने नियम बदलने होंगे। पैसों से तुम मुझे खरीद सकते हो लेकिन मेरी अंतरात्मा बिकाऊ नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। आत्मा में बदलने से तो अच्छा है कि अंतरात्मा को ही बेच दो। मेरी अंतरात्मा मान गई है। थैंक यू। आपको कैसा लड़का चाहिए मैं सब समझ गया। अब कैश को यहाँ रख दीजिए और इन गनों को पॉकेट में रख लीजिए। मुझे क्या करना है उसके डिटेल मेरे हाथ में रख दीजिए। भगवान, बहुत दिनों से मैं शादी के लिए आपसे एक लड़की मांग रहा हूँ लेकिन आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कभी भी निराश नहीं कर सकते। उमापति जी, अपनी दृष्टि से एक लड़की जो बहुत ही सुशील और संस्कारी हो मेरे पास भेज दीजिए। भगवान से प्रार्थना कर रहे हो या उन पर प्रेशर डाल रहे हो? भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, मंदिर के चेयरमैन से तो नहीं। अच्छा बोलो, कैसी लड़की चाहिए? उसके दिखने में सादगी होनी चाहिए, जो ड्रेस सिंपल पहनती हो,
ब्यूटी पार्लर वालों से कोसों दूर होनी चाहिए, नेचुरल ब्यूटी दिखनी चाहिए। एक लाइन में कहूँ तो उसकी सुंदरता आईने जैसी होनी चाहिए। बस इतना ही या और चाहिए? और एक बात, उसकी फैमिली दिखने में एकदम पारिवारिक अगरबत्ती के ऐड की तरह सिंपल होनी चाहिए। इसे वहां जाकर बांध दो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम यहीं रुकना बेटा, मैं प्रसाद लेकर आता हूँ। जिसे मैं सपनों में ढूंढ रहा था, आज वो खुद चलकर मेरे सामने आ गई। महाराज जी, बहुत देर हो गई, अब तक लड़की आई क्यों नहीं? उसे आना क्या है, वो तो सामने बैठी है। You don't worry. इस लड़की ने तो पैंट शर्ट पहनी है। तो क्या बिना कपड़ों के आ जाती? मैंने सोचा था साड़ी पहनकर हाथों में चाय की ट्रे लेकर आएगी, लेकिन नहीं आई। मेरी बात सुनो, तुम्हें साड़ी चाहिए या पैसा चाहिए? पैसा, पैसा चाहिए। तुमसे नहीं, उसे पूछा। उसको ही चाहिए। शांत रहो। ठीक है। सुनो, तुम Hello? जिस लड़की से शादी करने वाले हो वो धनलक्ष्मी बैंक है। तुमने बताया नहीं सर? आधा ही बताया था। मुझे खुद ही पूरा पता नहीं है, इसलिए तुझे आधा बताया। बेटी, वो लड़का सामने बैठा है। हाय। काका, बेटी इसे कल माँ को दिखा देना। पापा, ये लड़की गड़बड़ लगती है। तो डरता क्यों है, हमारा वकील कब काम आएगा? सुनो, अब क्या हुआ तुम लोगों को? महाराज, वो लड़की गन रखती है। थोड़ी देर के लिए गन छुपा लेती तो तुम एक बात बताओ, तुम्हें गन चाहिए कि पैसा चाहिए? हमें अपनी जान प्यारी है। ये लोग तो गायब हो गए, अब कहीं मुझे इसे शादी ना करनी पड़ जाए। पता नहीं यार, जब से उस लड़की को देखा है मेरा दिल मेरे पास नहीं रहा। बहुत ढूंढा उस लड़की को, पर कहीं मिलती ही नहीं। सपनों में आती है लेकिन सामने नहीं आती। सुन, जो चीज सपनों में दिखाई देती है वो एक ना एक दिन जरूर मिलती है। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, लड़की तुझे ही मिलेगी। मैडम, आप जिस लड़के को कहेंगे ये उसको ले आएगा मैडम। हाँ जी। पूजा, अब क्या हुआ माँ? मैंने लक्ष्मी को तुम्हारी शादी के बारे में बताया था और आज ही लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो जल्दी जाके तैयार हो जा बेटी। कौन है वो? इसको तुमने ही पैदा किया, कैसे उठा के लाई? मतलब है तो हरकतें अलग है, इसलिए पूछा। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। हमारा नाम नगीना बा, हमार बेटा नागेश्वर और हमार पति नागराज। सांपों की फैमिली डसले के लिए तैयार बैठी है। हमार बेटा के तोहार लेके पसंद बा, ये कारल बा हमार बेटा नागेश्वर। वैसे लड़की क्या काम करती है? फिलहाल तो बार्कलेस में एजीएम की पोस्ट पर है, दुबई रिटर्न है। दुबई से रिटर्न का है भेज दिया गई, ऐसे कौनो गलती कैली ये पूछ रहा बा हमार नागेश्वर। रिटर्न का मतलब वापस भेजना नहीं होता है, यहाँ आकर अब सेटल हो गए हैं ये होता है। लड़के को खैरात स्कूल में पढ़ाया था। आपका बेटा क्या करता है जी? एकरा के काम करे के का जरूरत बा? मुंबई में हमार बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बा, ये कह रहल बा हमार बेटा। आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। अरे हम तो भूल ही गई नी, एकरा के नागिन डांस करे आवेला का ये पूछ रहल बा हमार बिटवा। यह नागिन डांस हमार खानदानी डांस। ओहो, एकदम दुगी डांस ऐसा। अब एक फुसफुसा रहा है कान में। अगर सबके सामने डांस करे में शर्म आवेला तब बेडरूम में जाके डांस करके दिखाए, ये कह रहल बा हमार बिटवा। आप लोग उस रूम में जाइए। ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं आया हेमा। पूजा उसके साथ अंदर गई है, डांस के नाम पर उसके साथ क्या करेगी क्या पता। भाई, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक बुलेट दुबई में नहीं है, वो हैदराबाद गई है। हैदराबाद में है वो? क्या कहा, हैदराबाद में है वो? तब तो वो अपने कब्जे में समझो, अब उसे टपकाने में देर क्यों कर रहे हैं? मैं उधर नहीं, इधर हूं। वो तो आप यहाँ बैठे हो, मेरी बात सुनो जीजा। हैदराबाद में मेरा एक लंगोटिया यार है, अगर हम इसकी सुपारी उसे दे देंगे तो हमारे पहुँचने से पहले वो उसे पकड़ लेगा। वो बहुत ही डेंजर है, तो जिसकी कह रहा है वो ये डील कर सकता है क्या? वो जो डील करता है उसे अंजाम भी देता है, उसे मारा मारी का 30 साल का एक्सपीरियंस है जीजा। एक साल पहले शिरडी से आते वक्त शोलापुर में मिली थी, मेरे पास आने के बाद हमेशा मुझसे चिपकी रहती थी, दिन हो या रात हो मेरे साथ ही घूमती थी, मैं हमेशा उसे अपने साथ ही लेकर जाता था।
कांटा उसे चुभता तो दर्द मुझे होता था। आज सुबह उसे मंदिर लेकर गया था, उसे बाहर छोड़कर जब दर्शन करके मैं लौटा तो उसे कोई उठा ले गया। उसका नाम क्या है? वो मेरी चप्पल थी, रूपा कंपनी की होती तो मैं उसे छोड़ देता, लेकिन वो पूमा कंपनी की थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सत्या, चप्पल चोर कहाँ मिलेगा पता करो। मैं जानता हूँ इस वक्त वो कहाँ होगा, बुला के लाऊंगा उसे। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। महाजन, तुम्हें चप्पल चाहिए, उसे ले जाने वाला। भाई पैसा दे दे मन्ने। भैया तुम यहाँ? भैया के लिए चेयर ला। अरे नहीं चाहिए, तेरी कुर्सी, चेक निकाल। बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो, होता तो दे देता ना। आप देखो, ऊपर से दिखता है मगर अंदर छेद है, हाथ में मेरे गन तो है मगर चलाने के लिए गोलियां नहीं। अगले महीने पैसा आएगा दे दूंगा। अरे जब तेरे पास पैसे नहीं है तो ये कोटे सूट कैसे? बिना बिजली के पंखा और बिना स्टाइल के डॉन कभी नहीं चल सकता है भैया। मेरी चप्पल तो मिल जाएगी। अरे तेरी चप्पल और मेरे पैसे दोनों ना मिलेंगे। अगर इसके पास थोड़ी देर और रहे तो इसकी पनौती हमें लग जाएगी। चलो लिया डॉन बावड़ी। देखो ऑनलाइन है। हेलो, मोबाइल वो उल्टो पकड़े है। जानता हूँ तू, जा। ए बीको। हाँ बोलो। डिटेल के साथ पैसा भेज रहा हूँ, काम पूरा हो जाना चाहिए। हो जाएगा बाबा। ए बॉस, हमारी पनौती समझो आज से खत्म हो गई। अब कितने दिन ऐसे बैंक में रहोगे? वो कब्जा वाली जमीन की पेपर मुझको दे दो, मैं कुछ करता हूँ ना। हेलो। अरे जॉनी, तेरी ड्रीम गर्ल का एड्रेस मिल गया यार। सच बोल रहा है? हाँ, आज अपनी बहन के रिश्ते के लिए एक मैरिज ब्यूरो गया था, यहाँ पर उस लड़की का फोटो देखा मैंने। लड़की बार्कलेज में जॉब करती है, बाकी सब डिटेल है मेरे पास। तुम्हारी डिटेल तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? साफ्ट वेयर, हार्डर वेयर, एक्टर की, डॉक्टर की? सर मुझे ये लड़की चाहिए। है? क्या कहा तुमको? ये लड़की चाहिए? हाँ सर, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। आप जितनी फीस बोलोगे मैं सब दे दूंगा। इस लड़की के लिए तो अपनी जान भी दे सकता हूँ मैं। ये तो खुद तुम्हारी जान ले लेगी। हा? क्या कहा? अरे कुछ नहीं, शादी के लिए आए हो, जान देने की बात क्यों करते हो? इससे सेटिंग कर दीजिए ना सर। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। इसको अगर शर्तें बताएंगे तो ये भाग जाएगा। तो पहले क्या करें बोलो? पहले शादी करवाते हैं और उसके बाद हम भाग जाएंगे। सर इस लड़की के लिए मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। मुझे अनुष्का शर्मा या कतरीना कैफ नहीं चाहिए सर, चाहे कोई भी शर्त हो या कितना भी कमीशन हो, मुझे बस ये लड़की चाहिए सर। लड़का बहुत जल्दबाजी में लगता है। हाँ। हम कोई भी कंडीशन रखेंगे तो भी इसी से शादी करोगे? हाँ जी सर। ऐसा क्या देख लिया इस लड़की में तुमने? इसका बैकग्राउंड संस्कारी होगा। फोटो में संस्कार और बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है तुझे? गन जैसी आंखें हैं इसकी। आंखों का तो पता नहीं लेकिन गन है। मेरे दिल को चुराने वाली मेरी जान है सर। चुराने वाली नहीं, लेने वाली है। देखिए सर, उसके संस्कार, स्वभाव सब मेरे दोस्त को पसंद आ गए। मेरे दोस्त को ये लड़की पसंद है। आप भी जल्दी से इस मैच को फिक्स कर दीजिए। एक मिनट, भगवान जी, बकरी का बच्चा खुद ही चलकर शेर की गुफा में घुस रहा है। न चाहते हुए भी मुझे हाँ करनी पड़ रही है। मैं भी मजबूर हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना भगवान, आगे तुम्हारी मर्जी। इसे जहाँ तक पढ़ सकते हो पढ़ के साइन कर दो। मुझे पढ़ना नहीं है, साइन कहाँ कहाँ करना है बता दीजिए। लड़का बहुत जल्दबाजी में है। जब किस्मत बाहर खड़ी हो तो जल्दबाजी करनी पड़ती है सर। हाँ, कभी कभी दरवाजे पर यमराज भी खड़ा हो जाता है। मेरा मतलब है तुम शादी की तैयारी करो, मैं फोन कर दूंगा। चलता हूँ। ओके भाई, इयररिंग टोन बहुत अच्छी है, अपने दोस्त को भी दे देना। तू जिसे चाहता था आखिरकार वही लड़की मिली तुझे। ये शादी नहीं होगी। ये क्या कह रही हो बहन? भैया पंडित जी के बताए 6 महीनों में से 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आप उस लड़के को आज तक ढूंढ कर नहीं लाए। गुस्सा मत करो लता बहन, ये लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सगाई वाले दिन से तुमने यही साड़ी पहन रखी है, जाके साड़ी तो बदल। नहीं बदलूंगी भाभी, जब तक मुझे वो लड़का नहीं मिल जाता नहीं बदलूंगी। देखो बहन, तुम्हें सिर्फ साड़ी पहनने के लिए कह रहे हैं, दिल से निकालने के लिए नहीं। इस तरह की जिद सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। मेरी प्यारी बहन, साड़ी गंदी हो चुकी है जो सेहत के लिए अच्छी नहीं। ए, अच्छा या बुरा, अपनी छोटी बहन को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे खून में गर्मी है तो उस जॉनी को ढूंढ कर यहाँ ले आ। वैसे भी सारी गलती तेरी है। ट्रेंड बदलूंगा बोलकर उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उठा लाया, उसके बाद क्या हुआ, वो भाग गया ना। चला सुनो बेटी, आज तक मैंने इन पर भरोसा किया लेकिन अब इनके बस की बात नहीं है। मैं उसे खुद ही ढूंढूंगा, 1 महीने के अंदर अंदर उस जॉनी को ढूंढकर तेरे पास लेकर आऊंगा और तेरी शादी करवा दूंगा। तेरी शादी करने में मुझे कोई एतराज नहीं है बेटा, लेकिन तेरी शादी के बाद तुम्हें लड़की वालों के घर रहना होगा, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। अब मैं जानता हूँ पिताजी आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। कुछ दिनों में मैं उसे मना लूंगा और फिर वो हमारे साथ ही रहेगी, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बात वो नहीं है बेटा, शादी के बाद तू उनके घर रहेगा तो लोग तुम्हें बुरी नजरों से देखेंगे। इसका मतलब जीजा जी हमारे घर में रहते हैं तो क्या लोग उन्हें बुरी नजर से देखते हैं? अब बस करो, जब तुम्हें वो लड़की इतनी पसंद है तो हम मना नहीं कर सकते। कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के शादी करवा देते हैं।
नक्षत्र का चांद है, देखो बेटा। पंडित जी, मुझे उसमें कोई नक्षत्र दिखाई नहीं दे रहा है। अब तुम चिंता मत करो बेटा, कल से अरुंधति के साथ साथ घर में मधुमति, चंद्रमुखी, चंद्रकला सब दिखाई देने लग जाएंगी। हैप्पी मैरिड लाइफ। सुहागत मनाने के लिए जेवरों की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं, लेकिन स्त्री को सुंदर दिखना चाहिए। क्या हुआ बेटी, बुलाया तुमने? मेरी बात सुनिए काका, शादी करके वो लड़का ज्यादा ही उछल रहा है। कंट्रोल में रहने के लिए कहिए उसे। शादी की कंडीशंस भूल गए क्या? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं देते? सॉरी मैडम, शादी की कंडीशन उसे बताई नहीं गई। ये क्या किया तुमने, कंडीशन क्यों नहीं बताई उसे? बताने पर कोई भी शादी नहीं कर रहा था, इसलिए उस पंडित ने हमें बिना बताए प्लान बनाया। जब हमें ये बात पता चली, पंडित शहर छोड़ गया था। ठीक है, अभी जाकर बताइए उसे। मुश्किल है बेटी, जॉनी डरपोक लड़का है, सच जानकर भाग गया तो आपकी माँ को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। फिर क्या करें? आपको किसी तरह मैनेज करना पड़ेगा मैडम। मैं कैसे मैनेज करूँ? पहले ही मैं अपनी माँ के सामने एक्टिंग कर रही हूँ, अब उस लड़के के सामने भी एक्टिंग करनी पड़ेगी मुझे। करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है, आपको अपनी माँ के सामने एक्टिंग करनी होगी। नो, ये मुझसे नहीं हो सकता। पूजा, वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। बस अभी आती हूँ माँ। ठीक है, जल्दी आना। एक भी काम ठीक से नहीं करते। अगर उस लड़के ने मेरे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत की तो गोली मार दूंगी उसे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सिंगल लेग, सिंगल हैंड, डबल हैंड। बचपन में मेरे पापा कहते थे तू तो शेर का बच्चा है। तैयार रह। मैडम बहुत ही गुस्से में अंदर गई हैं, भगवान जाने क्या होने वाला है। अरे इतनी जल्दी सो भी गई? ओह, शर्मा रही होगी। लगता है मुझे ही आगे बढ़ना होगा। इसकी कमर तो कमल के फूल की तरह नाजुक है, सोते हुए भी कयामत ढा रही है। मोगरे की खुशबू दिमाग खराब कर रही है। अरे ये लाइट क्यों ऑन है? वैसे भी ये बहुत शर्मा रही है, लाइट बंद कर देता हूँ। तो लाइट बंद कर दी, अब इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? सुहागरात के पहले दिन कुछ लड़कियां पति के पलंग पर आते ही घबराने लगती है। आप अगर उन्हें हाथ भी लगाओगे तो, पास जाने की कोशिश करोगे तो वो पीछे धकेलती है, गुस्से में दुलत्ती भी मार सकती है। इसने मुझे लात मारी। स्थिति में आपको पॉजिटिव रहना होगा, तभी आपकी सुहागरात सक्सेसफुल हो सकती है। करनी पड़ेगी, आपको अपनी माँ के सामने एक्टिंग करनी होगी। क्या जबरदस्त लात मारी है इसने, क्या हुआ, डर गई थी? डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को सर पर मारा था, लेकिन तुमने मेरे दिल पर लात मारी। सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन इमोशंस दोनों के सेम हैं। तुम जरा भी टेंशन मत लो, जब तक तुम नहीं चाहोगी हमारी सुहागरात नहीं होगी। ओके अब चले। आखिरकार मधुबाला सीरियल के हीरो की तरह तूने शादी कर ही ली। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सर, इतने दिनों से आप बाहर थे इसलिए मैंने पार्टी नहीं दी। आपको चीफ गेस्ट बनाकर कल एक पार्टी देना चाहता हूँ सर। जरूर आऊंगा, बट तुम मेरी टाइमिंग कंडीशन अच्छी तरह से जानते हो ना, उड़ान सपनों की सीरियल खत्म होते ही आ जाऊंगा, ससुराल सिमर का शुरू होने से पहले घर चला जाऊंगा। हाँ ठीक है सर, आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तो मुझे हो रही है, एक ऐसे लड़के को लाने के लिए कहा था तुम लोगों से जो पति ना हो पर पति की एक्टिंग कर सके। अब यहाँ कोई पार्टी वार्टी नहीं होने वाली है, कह दो सबसे चले जाए। मैडम माँ जी आ रही हैं। शाम की पार्टी की सारी तैयारियां हो गई बेटी? हाँ माँ, पार्टी के बारे में ही तो इन लोगों से बातें कर रही थी।
दामाद जी बता रहे थे कि वो तुझे पाकर बहुत खुश है। जैसा मैंने सोचा था उससे भी सुंदर और समझदार है मेरा दामाद। अपने दोस्तों को इसलिए पार्टी दे रहा है ताकि वो तुझे उनसे मिलवा सके। जानती हूँ माँ, उन्होंने बताया था मुझे। ये क्या है रे? मैंने तो सोचा था जॉनी की पार्टी किसी छोटे से होटल में होगी, लेकिन ये तो किसी फिल्म स्टार की पार्टी लग रही है। इतना पैसा कहाँ से आया? उसकी पत्नी बहुत पैसे वाली है। मेरी पत्नी से भी ज्यादा पैसे वाली? आपकी पत्नी वाटा है, उसकी पत्नी टाटा है। सर सर आइए ना सर। क्या हुआ सर, ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो फिर कैसे देखूं? मैंने सोचा पति पत्नी दोनों एक साथ आकर मुझे रिसीव करेंगे, लेकिन तुम तो अकेले आए हो। सॉरी सर, गलती हो गई। आइए आइए ना सर, आप यहाँ इस कुर्सी पर बैठिए सर। ये कोई सीएम की कुर्सी नहीं है जो इतना बिल्डअप दे रहा है। सर का वेट मत करो, सर आ गए हैं, पार्टी स्टार्ट करो। ये वेट सर का नहीं, इसकी पत्नी का हो रहा है। अभी वो अंदर तैयार हो रही है। अभी वो तैयार हो रही है? ससुराल सिमर का सीरियल शुरू होने से पहले मैं चला जाऊंगा, मैंने पहले ही बता दिया था। अगर यहाँ लेट हो गया तो तुम्हें टीवी यहीं अरेंज करनी पड़ेगी। बॉस की कोई वैल्यू है कि नहीं? आई वांट सम एंटरटेनमेंट हियर। सर एंटरटेनमेंट कहकर चिल्लाओगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, आप मर भी सकते हो। सर मैं अभी आपके लिए स्कॉच भिजवाता हूँ, आप रिलैक्स कीजिए प्लीज सर। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।